CTR हमारा जो एडसेंस का CTR है वो अगर 10% से ऊपर चला जाए तो क्या हमारा एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो सकता है, क्या इससे हमारे चैनल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है? दोस्तों हमारा CTR को हम कैसे कंट्रोल करें, ये सभी क्वेश्चन का हमारे पास आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं CTR क्या होता है। दोस्तों CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, आपको सब लोगों को पता होगा, पर यहाँ पे भी दो टाइप के आपके पास CTR मिल जाता है। एक हमारे YouTube चैनल का CTR होता है और एक हमारा AdSense का CTR होता है, ठीक है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, एकदम से अलग CTR समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले YouTube चैनल का जो CTR है उसको हम उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों YouTube चैनल का जो CTR हमारे दिखाता है वो हमेशा अगर 10% से ऊपर रहता है तभी अच्छा होता है, ठीक है। अगर 10% से नीचे गए तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो टाइटल है और थंबनेल है उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम है समझ लेना, क्योंकि उसको चेंज करना है। उसको नहीं चेंज करोगे तो वो CTR नहीं हाई होगा। CTR का मतलब क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट आपको कब, मतलब का आप YouTube वीडियो का क्लिक थ्रू रेट किस तरीके से चेक कर सकते हो, जब आपका YouTube चैनल का जो वीडियो है उसके ऊपर इम्प्रेशन जा रहा है, समझ लीजिए 100 लोगों के पास आपका वीडियो का इम्प्रेशन गया, ठीक है, उसके अंदर आपके अगर 10 लोगों ने आपके वीडियो पर क्लिक किया तो वो CTR आपका YouTube का CTR में काउंट होगा, ठीक है। तो ये एकदम से अलग CTR होता है। और हमारा जो AdSense का CTR होता है वो किस तरीके से आप, मतलब जेन्युइन जो CTR आपका चल रहा है उसको आप कहाँ से चेक कर सकते हो, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमारा जो AdSense का CTR है वो अगर 10% से नीचे रहता है तो अच्छा माना जाता है। ये इससे हमारा क्या AdSense डिसेबल होता है या फिर नहीं, इसमें तो सभी में कन्फ्यूजन है, तो फिर भी सब लोग AdSense का जो CTR है उसको हमेशा 10% से नीचे ही रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सेफ CTR काउंट किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहे, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा CTR के बारे में पूरा एकदम से क्लियरली आपको डेस्कटॉप में लेके जाके बताऊंगा किस तरीके से आप अपने AdSense का CTR चेक कर सकते हो और किस तरीके से आपका जो YouTube का CTR है वो कैसे काम करता है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। दोस्तों वो तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जाके बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक बात बताना चाहूंगा, दोस्तों मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी हम अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब पूरा का पूरा CTR का जो फंक्शन है वो आपको समझाने के लिए आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं दोनों CTR को आपको क्लियरली आपको समझा दूंगा कि YouTube का CTR क्या होता है और AdSense का CTR क्या होता है, ठीक है। तो YouTube का CTR के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे AdSense के CTR के बारे में। AdSense के CTR किस तरीके से चेक किया जाता है, ऑफिशियल मतलब ओरिजिनल CTR कौन सा हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन से CTR से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा YouTube चैनल का जो CTR है उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके YouTube चैनल में चले जाना, यहाँ पे दो टाइप का आपको CTR मिलेगा। आपको पर्टिकुलर एक वीडियो के ऊपर भी आपका CTR मिल सकता है, पूरा का पूरा आपका चैनल का जो CTR है वो भी आपको चेक करके मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको वीडियो का जो CTR है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपके चैनल में जाने के बाद। वीडियो में जाने के बाद यहाँ पे आपका जो चैनल का जितना भी वीडियोस है सभी वीडियो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं किसी भी एक वीडियो को यहाँ पे, वीडियो का एनालिसिस है एनालिटिक, तो एनालिटिक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो एनालिटिक पे आप क्लिक कीजिए, देन आपको यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू, रीच और उसके बाद यहाँ पे एंगेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना भी यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देन यहाँ पे रीच पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो रीच पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। ये हमारा वीडियो का मतलब CTR है, ये वीडियो का CTR होता है, मतलब आपका जो वीडियो है वो कितने लोगों के पास आपका इंप्रेशन गया है और कितने परसेंट लोगों ने उसके अंदर आपके वीडियो पे क्लिक किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो वीडियो का CTR है, वो पर्टिकुलर एक वीडियो का CTR, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। ये अगर हमारा बहुत हाई होता है तो हमारा जो वीडियो का रीच है वो इसका इंप्रेशन है बहुत ही अच्छा चलता है, मतलब ये अगर 10% से ऊपर होता है तो हमें ये अच्छे मानते हैं, मतलब ये 10% से ऊपर होगा तो ही अच्छा है, इससे नीचे होगा तो आपका जो होगा तो आपका थंबनेल और टाइटल में कोई गड़बड़ है, ये आप समझ लीजिएगा, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया अपना जो वीडियो का CTR के बारे में, अपना पर्टिकुलर एक वीडियो का CTR के बारे में हमने बात कर लिया। सेकंड आता है हमारा जो चैनल का CTR है, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका जो CTR है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रीच, यहाँ पर भी आपको रीच मिल जाएगा, देन यहाँ पर रीच पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो रीच पे आप क्लिक कीजिए,
देन आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा चैनल का जो CTR है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला है आपका चैनल का CTR, ठीक है। तो मेरा 9.5% है, ये डाउन दिखा रहा है, 3% डाउन हो चुका है, मतलब 3% पहले ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 4 लाख इंप्रेशन के ऊपर जितने लोगों ने भी क्लिक किया है, मतलब मेरे वीडियो जितने लोगों ने भी देखा है, 9% लोगों ने मेरे वीडियोज़ पे क्लिक किया, ठीक है। तो मतलब मैंने बोला था इसको 10% से ऊपर जितना होगा तो ही अच्छा है, 10%, 12%, 13%, 15% जितना परसेंट होगा उतना अच्छा है, पर 10% से नीचे आने से आपको जो वीडियो है उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा चैनल का CTR है, ये जितना हाई होता है उतना अच्छा होता है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे एडसेंस का CTR क्या है, ठीक है। ये हमारा जितना भी हाई होगा उतना हमारा मतलब वीडियो में हमारा इंप्रेशन अच्छा जाएगा, वीडियो में CTR मतलब अच्छा रहेगा, क्लिक थ्रू रेट अच्छा रहेगा, तो वीडियो में व्यू अच्छा आएगा और चैनल को हमारा बूस्ट मिलने की संभावना मिलता है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमने दो CTR के बारे में बात कर लिया, और नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा एडसेंस का CTR होता है। दोस्तों सभी लोग जो एडसेंस हमारा जो ये एडसेंस अकाउंट देख रहे हैं, दोस्तों अर्निंग मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है, गूगल के पॉलिसी के खिलाफ है, तो इसलिए मैं अर्निंग्स को हाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे दिखा रहा है पेज CTR 6.42%। दोस्तों ये जो CTR है, ये हमारा जो CTR है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये पेज CTR है, इससे ऊपर इसके ऊपर हमारा CTR कोई काम नहीं होता है। हमारा जो ऑफिशियल CTR है वो किस तरीके से चेक किया जाता है वो मैं अब दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो बाएं तरफ जो एक 3 डॉट है, ये 3 डॉट के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट का, ये जो रिपोर्ट का ऑप्शन है, रिपोर्ट के ऊपर आपको करना है क्लिक। तो रिपोर्ट के ऊपर आप जब भी क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, वीडियो में आपको पूरा का पूरा जितना भी नॉलेज है आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा पेज है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे फिल्टर के अंदर यहाँ पे ऐड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐड पे हमें क्लिक कर लेना है, उससे पहले हमें देख लेना है हम किस दिन का मतलब किस तारीख का हमें CTR चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट 7 डेज का यहाँ पे दिखा रहा है, हम आज का CTR हम चेक करेंगे। यहाँ पे 2 डेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्विक डेट्स के अंदर यहाँ पे 2 डेज है, या फिर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 2 डे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 2 डे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 डे हो चुका है। देन यहाँ पे ये जो फिल्टर ऑप्शन है, फिल्टर ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, ठीक है। ऐड पे जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट सबसे पहले आपको मिल जाएगा, तो प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करना। प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो देन यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एडसेंस फॉर कंटेंट, गूगल एड मोब, होस्टेड अकाउंट फॉर कंटेंट, ठीक है। इन सबसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब होस्ट के ऊपर क्लिक करना है। यूट्यूब होस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई पे जब भी क्लिक करोगे तो देन इस तरीके का कुछ आपके सामने पेज निकल के आ जाएगा। देन यहाँ पे ओवरव्यू देख रहे हो, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक लिखाएगा, ठीक है। तो क्लिक के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑफिशियल जो CTR है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये है हमारा ऑफिशियल CTR, ये हमारा अभी है 0.91%। मतलब ये CTR आपका जब भी CTR 10% से ऊपर चला जाता है, सबको डर रहता है कि हमारा एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या फिर डिजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, CTR बढ़ने से कभी भी एडसेंस डिजेबल नहीं होता, फिर भी सब लोग मेंटेन में 10 के नीचे ही रखते हैं, मतलब मेंटेन करके अपना 10 के नीचे ही रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। एडसेंस डिजेबल होता है इनवैलिड एक्टिविटी के कारण से, ठीक है। अगर आपके वीडियो पे आप खुद ही क्लिक करते हो, अपने ऐड पे आपका वीडियो आप खुद ही देखते हो, तो आपका जो एडसेंस है वो डिजेबल होने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। तो CTR बढ़ने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप देख सकते हो ये हमारा CTR है, और आपका CTR आप कितना रखते हो और मेंटेन करके वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरीके से ऑफिशियल जेन्युइन तरीके से यही एक जेन्युइन वे है जिससे आप अपना CTR आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना CTR भी चेक करते रहना, और 10% से ऊपर जाने मत देना, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो ये किसी को भी नहीं पता आज तक कि CTR बढ़ने से डिजेबल होता है, CTR बढ़ने से मेरे हिसाब से डिजेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग बिंदास यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो वीडियोस होता है उसमें हम जब न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें हमारा जो ऐड थोड़ा ज़्यादा ही आ जाता है, ठीक है, इसलिए उसमें CTR हमारा हाई हो जाता है, ठीक है। तो इंप्रेशन और क्लिक के हिसाब से यहाँ पे CTR मेंटेन होता है, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, और CTR को हमेशा मेंटेन करके रखना। अगर CTR आपका बहुत हाई हो जाता है, 12%, 13%, 20% तक चला जाता है, मतलब जब भी आपका CTR देखना 9% के 10% हो जाता है, उस समय आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने YouTube में, उसके बाद जाना होगा अपने मोनेटाइजेशन सेक्शन में, मतलब अपने वीडियो सेक्शन में, ठीक है। वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आपका मतलब सॉरी यहाँ पे एनालिटिक्स में जाना होगा, सॉरी एनालिटिक्स में जाना होगा, यहाँ पे एनालिटिक्स में चले जाना। उसके बाद यहाँ पे देख लेना जितना भी आपका ज़्यादा व्यू लाने वाला वीडियोस है, मतलब जो भी अपना वायरल वीडियो है यहाँ पे दिख जाएगा, उस वीडियो को आपका जो स्किपेबल ऐड और नॉन स्किपेबल ऐड है, ये दोनों ऐड आप बंद करके रखना, तो आपका जो CTR है वो मेंटेन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि CTR के बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज मैंने दे दिया इस वीडियो में। अगर आपको कहीं भी डाउट हो
या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं विक्रम मिलता हूँ आपसे अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर।